थोड़ी कम हो गई है। आज आप लोगों को मैं दिखाने ले चल रही हूँ कि जो कि मैंने ये गार्डनिंग की है, मुझे प्रकृति से बहुत प्यार है, प्रकृति की सुंदरता से मुझे बहुत प्यार है। देखिए ये मेरे ग्राउंड में ये मैंने जो है गोभी के फूल ये जो है मैंने लगवाए हैं। ये देखिए ये जो है गोभी के फूल इस तरह से, ये देखिए ये गोभी के फूल हैं, ये दोस्तों ये गोभी के फूल हैं। देखिए ये गोभी का फूल है, देखिए कितना सुंदर ये गोभी का पौधा लग रहा है, कितना सुंदर कितना अच्छा है ये गोभी का पौधा। तो ये मैंने गोभी के पौधे जो है ढेरों गोभी के पौधे लगवाए हुए हैं ढेरों, इस तरह से आप देख सकते हैं। ये देखिए ढेरों गोभी के पौधे हैं, ये देखिए ढेरों गोभी के पौधे हैं। और इस गार्डन में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बोई गई हैं और ये देख करके इतना मन प्रसन्न हो जाता है कि जो मन मयूर है वो खिल जाता है। और जब मन प्रसन्न होता है तो बहुत सी सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। पहला तो इसके लिए मैं आप लोगों से बताती हूँ कि पहला सुख है, हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए ये गोभी के पौधे बहुत ही अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर, देखिए ये फ्लावर्स लगे हुए हैं, ये फ्लावर्स लगे हैं। तो ये क्या है कि इन पौधों को देखकर बहुत ही मन प्रसन्न हो जाता है, एकदम से मन प्रसन्न हो जाता है इनको देखकर। देखिए ये आप देखिए एक कतार से ये गोभी के पौधे लगे हुए हैं। ये देखिए ये गोभी का फूल इसमें आ चुका है, ये देखिए ये गोभी का फूल ये है जो है ना, ये देखिए गोभी का फूल लगा हुआ, ये गोभी के फूल लगे हुए हैं इसमें आ चुके हैं। देखिए इनको देखकर इनको खाने में उतना अच्छा नहीं लगेगा जितना कि इनको देखकर बहुत ही सुंदर लगता है। ये देखिए गोभी का पौधा ये इस तरह, ये देखिए गोभी के फ्लावर्स हैं, ये देखिए ये इस तरह से ये सारे गोभी के फूल इस तरह से लगे हुए हैं। देखिए इनकी सुंदरता कितनी सुंदर है, ये देखिए गोभी के फूल। तो इनको देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। तो क्या है कि पहला सुख है निर्मल काया, पहला सुख है निर्मल काया। तो दोस्तों क्या है कि पहला सुख हमारा क्या है कि निर्मल काया है, कि अगर हमारा मन प्रसन्न रहता है तो हमारी काया यानी कि हमारा बॉडी प्रसन्न चित्त रहता है। और इससे क्या है कि हम निरोगी रहते हैं, हमारे पास कोई रोग नहीं आने पाते हैं। ये देखिए गोभी के खूब हरे हरे पौधे लगे हुए हैं। तो पहला सुख है निर्मल काया, दूजा सुख है घर में माया, यानी कि घर में दूजा सुख क्या है कि घर में माया का मतलब पैसा रुपया होना चाहिए। दूजा सुख है घर में माया, तीजा सुख है सुलक्षण नारी, तीजा सुख है और चौथा सुख है पुत्र हो आज्ञाकारी, चौथा सुख हो पुत्र हो आज्ञाकारी। तो जो है दोस्तों ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों को देखकर, इस प्राकृतिक सुंदरता को देखकर मन बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। ये देखिए और आगे मैंने ये मिट्टी बनवाई हुई है, ये मिट्टी है। तो इसमें अभी मैं भिंडी और गाजर तरोई लौकी करेला इत्यादि बोने वाली हूँ। और ये देखिए मेरा ये सरसों के पेड़ हैं, ये देखिए सरसों उग गई है और ये सरसों है और इधर ये सोया मेथी है और इधर ये, तो इस तरह से ये ग्राउंड है। दोस्तों मैं जो है क्या करती हूँ कि नज़दीक रहना चाहती हूँ, प्राकृतिक सुंदरता के बहुत ही नज़दीक रहना चाहती हूँ। और मुझे ये सब गार्डनिंग करना
मेरी हॉबी है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि मैं गार्डनिंग करूं। ये देखिए सरसों के साग जमे हुए, ये सरसों हैं, हल्की हल्की क्यारियों में जमती रहती हैं इस तरह से। और ये देखिए सरसों का पेड़ लगा हुआ है, यहीं पर एक आम का पेड़ लगा हुआ है, ये देखिए मैंगो ट्री है, और यहीं पर गंगा जी का किनारा है। और ये देखिए घास, ये मैदान साफ़ हो चुका है, पहले यहाँ बहुत ही झाल झंखाड़ था लेकिन अब ये सब सफाई हो गई है। ये देखिए ये मूली के पौधे हैं, मूली अब अपना क्या हुआ है कि फूल चुकी है, और ये मूली था, और इधर ये पालक बोया हुआ है, देखिए इधर पालक बोया हुआ है, ये पालक है इस तरह से। तो दोस्तों ये है इस ग्राउंड की सुंदरता। तो दोस्तों आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि हमें अधिक से अधिक प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेना चाहिए। अब देखिए फिर मैं आप लोगों को गोभी के खेत में ले चल रही हूँ और गोभी के पौधों को दिखाती हूँ। इसका अभी एक गोभी आज निकालती हूँ और गोभी के पकौड़े बनाऊँगी और गोभी की सब्ज़ी बनाऊँगी, गोभी में मटर मिला दूँगी, आलू मिला दूँगी, और गोभी की सब्ज़ी दोस्तों बहुत अच्छी बन करके तैयार हो जाएगी। आप इसको मैं इसका जो है आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे मैंने गोभी की सब्ज़ी कैसे मैंने जो है बनाई है। तो ये देखिए अब मैं फिर से पुनः गोभी के खेत में आ गई हूँ, और ये एक गोभी जो मुझे आज सब्ज़ी के लिए लेना है, तो मैं आज इस एक गोभी को अपने सब्ज़ी के लिए तैयार कर ले रही हूँ। ये देखिए दोस्तों अब ये मैं सब्ज़ी के लिए गोभी मैंने उखाड़ लिया है। इसके पत्ते जो है उसको मैं क्या करूँगी, उसको मैं इसको कट करके गाय के चारे में मिला दूँगी। इससे क्या है कि माघ का महीना है, गाय को भी हरा चारा प्राप्त हो जाएगा और हमको गोभी प्राप्त हो गया है। ये देखिए गोभी। तो इस तरह से ये प्रकृति के पास रहने में बहुत ही सुंदर लगता है। ये हमारा गोभी आ करके, ये देखिए गोभी आकर के यहाँ पर रखा हुआ है, कितना सुंदर लग रहा है, हाउ ब्यूटीफुल गोभी है।